आज से हम लोग रैम्बो सेकंड पढ़ेंगे जो बुक है प्लस टू का, और फाइनल एग्जामिनेशंस में जो पूछे जाते हैं तो उसका पहला चैप्टर है बुक का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर प्लस टू में दो बुक्स हैं, एक रैम्बो सेकंड और दूसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो ये रैम्बो सेकेंड का पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसको जैसा दिख रहा होगा स्क्रीन पे, महात्मा गांधी ने लिखा। महात्मा गांधी एक ग्रेट फिलोसोफर, राइटर और फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं। आप लोग सबको पता होगा महात्मा गांधी के बारे में। ये एक ब्रिटिश के खिलाफ इंडियन नेशन फाइटिंग में इनका बहुत बड़ा योगदान था, और देश को आज़ादी दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये सब तो सबको पता ही है। तो ये एक बहुत बड़े राइटर भी थे। महात्मा गांधी ने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है उस ये जो लेशन है ये उस इनके कई बुक्स में से किसी एक बुक का, ये छोटा सा पार्ट है। इसमें महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में लिखा है। अब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। तो इंडिया के कल्चर तथा संस्कृति के बारे में इस चैप्टर में उन्होंने हम लोग को बताया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या सब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में उनका थॉट है। वो एक फिलोसोफर भी हैं, दार्शनिक, दर्शन शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता है, राइटर भी हैं, बहुत सारे बुक्स लिखे उन्होंने। अभी भी कई म्यूजियम्स हैं, उसमें इनके कई बुक्स मिलते हैं। तो ये जो पहला लेसन है वो यहीं से लिया गया है, एक बुक का एक पार्ट है। इसमें ये डेफिनेशन बताते हैं इंडियन सिविलाइजेशन का, कल्चर का। फिर यहाँ का कल्चर मतलब इंडियन कल्चर को मेनली वेस्टर्न कल्चर से कंपेयर करते हैं इस चैप्टर में। तो एग्जामिनेशन में क्या है कि समरी लिखा जाता है। तो हम लोग समरी को देखते हुए चलें। समरी का मतलब क्या होता है कि संक्षेप में लेशन, किसी भी लेशन को, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है तो इसका संक्षेप में जो हमको लिखना होता है, समरी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो उसको हम लोग देखें, इसका समरी देख लें पहले। यहाँ हम जो समरीज देखेंगे वो रटना नहीं है, उसका हम लोगों को हिंदी समझना है और मीनिंग समझना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, ये तो सब्जेक्ट हो गया लग रहा होगा, रिटेन तो आता ही है सारे स्टूडेंट्स को। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए रिमार्केबल एसे, ये पोजीशन वाला फॉर्मूला हो गया ना। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर क्या है? एक रिमार्केबल एसे है। एसे का मतलब क्या होता है? लेख, और रिमार्केबल का मतलब होता है याद रखने योग्य। तो पोजीशन हो गया, यहाँ से आता है सब्जेक्ट, इस चैप्टर का नाम है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, एक रिमार्केबल पोयम है, कॉमा, रिटन बाय द ग्रेट राइटर एंड फिलोसोफर M.K. गांधी। किसके द्वारा लिखा गया? कॉमा, ये एक रिमार्केबल इससे और पोयम है, रिटन बाय द ग्रेट राइटर एंड फिलोसोफर M.K. गांधी। लिखा गया है किस किनके द्वारा? एक ग्रेट फिलोसोफर, और हमने पहले कह दिया फिलोसोफर भी है और राइटर भी है महात्मा गांधी। और आपने सुना होगा कि फ्रीडम फाइटिंग में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, अपने कंट्री के पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उस पर ज़्यादा विचार नहीं करते हुए आगे इस चैप्टर में बढ़ते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इनको लाइन बाय लाइन लिखना होता है समरी को, जो हम देख रहे हैं। तो स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया, हिंदी अगर ध्यान रहेगा तो इंग्लिश हम उसको कन्वर्ट करके लिख लेंगे, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं।
हेयर गांधी जी प्रेजेंट्स, हेयर मीन्स तो यहाँ होता ही है, यहाँ लिख दिया। अब गांधी जी प्रेजेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो प्रेजेंट्स बी फाइव है ये। प्रेजेंट का मतलब प्रदर्शित करना या रखना, तो यहाँ गांधी जी प्रेजेंट करते हैं, ते हैं होगा ना, इसका मतलब क्या प्रेजेंट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट देखते हैं इस सेंटेंस का, द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर एंशियंट सिविलाइजेशन, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। बैंक ऑफ द रिवर पे पता चल रहा होगा, हेयर गांधी जी प्रेजेंट्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक। द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर एंशियंट सिविलाइजेशन, क्या चीज़ प्रेजेंट करते हैं इस चैप्टर में, बैंक ऑफ द रिवर पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंस ऑफ आवर एंशियंट सिविलाइजेशन। एंशियंट सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एंशियंट का मतलब प्राचीन, सिविलाइजेशन का मतलब होता है संस्कृति, तो प्राचीन संस्कृति को यहाँ प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो इसका भी स्ट्रक्चर समझ में आ गया, हिंदी बस याद रखना है, इंग्लिश ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि आपको हिंदी से इंग्लिश आता है। अब आगे बोला गया, नो अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये सब्जेक्ट हो गया, नो अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कैन कंपेयर विद आवर सिविलाइजेशन। अब इसमें गांधी जी लिखते हैं आगे कि कोई अदर सिविलाइजेशन जो है वर्ल्ड का, नो अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया, कोई दूसरा सिविलाइजेशन दुनिया का नहीं, नो अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, कोई दूसरे दुनिया का कोई दूसरा सिविलाइजेशन नहीं ना, कैन वाला फॉर्मूला है ये, सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो नो अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कैन और कंपेयर, ये वर्ब हो गया, कंपेयर का मतलब तुलना करना, किसके साथ तुलना करना, तो विद आवर सिविलाइजेशन। अब हिंदी तो समझ में आ रहा होगा कि वर्ल्ड का कोई भी सिविलाइजेशन कंपेयर नहीं कर सकता है हमारे सिविलाइजेशन के साथ, विद का मतलब के साथ होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी अकॉर्डिंग टू गांधी है, गांधी के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब तो होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब, अकॉर्डिंग टू गांधी सिविलाइजेशन इज, सिविलाइजेशन सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का, सिविलाइजेशन इज, अब डेफिनेशन देना चाहते हैं ये, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। इस चैप्टर में जो लिखा है उन्होंने सिविलाइजेशन के बारे में कि सिविलाइजेशन क्या है, वो आगे इस लाइन में शो किया गया है कि गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन, यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया और ये इज है पोजिशन, क्या है दैट मोड ऑफ कंडक्ट, मतलब वह मोड ऑफ कंडक्ट है, मोड का मतलब मैनर, जिसको आचरण कहते हैं, यहाँ पे हमने इसके बदले आप ये भी लिख सकते हैं वर्ड मीनिंग वर्ड, तो वह आचरण है, किस चीज़ का आचरण, तो गाइड, गाइड का मतलब रास्ता दिखाने वाला, कंडक्ट का मतलब, तो वैसा रास्ता दिखाने वाला आचरण है, विच का मतलब जो, अब यहाँ दूसरा क्लाउज है ये, है ना, ये विच उस क्लाउज का सब्जेक्ट, विच पॉइंट्स आउट, पॉइंट्स आउट का ये वी फाइव है ना, पॉइंट्स आउट, ये फ्रेजर वर्ब है, पॉइंट के साथ आउट लिखा हुआ है ना, तो पॉइंट फ्रेजर वर्ब का मतलब गेट इन का मतलब जाना, गेट एट का मतलब पहुंचना, गेट इन टू ये सब होता है, जो वैसे वर्ब्स जो प्रीपोजिशन के साथ जुड़े हुए रहते हैं उसको हम फ्रेजर वर्ब कहते हैं, और जो वर्ब रहता है उसमें एस ई एस जोड़ दिया तो वी फाइव, आई एन जी जोड़ दिया तो बिफोर हो गया, ई डी जोड़ दिया तो उसका वो पास्ट हो जाता है ना। तो विच पॉइंट्स आउट, पॉइंट्स आउट का मतलब, पॉइंट आउट का मतलब निर्देशित करना, इसमें एस लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो जो पॉइंट आउट करता है किस चीज़ को, टू द मैन ऑफ ड्यूटी, मैन का मतलब मनुष्य भी होता है और आदमी भी होता है, तो मनुष्य के ड्यूटी को पॉइंट आउट करता है, निर्देशित करता है, तो क्या डेफिनेशन हो गया महात्मा गांधी के अनुसार,
अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के पाथ को पॉइंट आउट करता है। तो आज हम लोग यहाँ तक देखते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, इसको हम लोग येल्लो मार्क कर देते हैं, कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमने आज समरी स्टार्ट किया है, ये एग्जामिनेशन में लाइन बाय लाइन लिखना होता है, इसलिए इसका हम लोग स्ट्रक्चर समझते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस चैप्टर को यहीं पे छोड़ते हुए आज इतना रहेगा।